ऐसे चलो हाथ लगा ऐसा मैं आपकी जी हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे हाँ रुकना उधर ऐसा जी के पास रुक ये गाड़ी का ऐसा जी नहीं ले जाओ आइए जाओ ये फोटो अच्छी से आनी चाहिए बर्थडे मना रहे दोस्तों के बीच क्या कुछ कहना चाहेंगे पहले सबसे पहले जितने भी लोग यहाँ आए जिन्होंने मुझे विश किया जिन्होंने वीडियो भेज के विश किया उन सबको बहुत बहुत थैंक्स बहुत अच्छा लग रहा है 2 साल के बाद सबके साथ मिलके बर्थडे मनाना क्या कहना चाहेंगे अपने दोस्तों को फ्रेंड्स को क्या कुछ कहना चाहेंगे जन्मदिन के पिछले 2 साल से सिर्फ वीडियोस के थ्रू ही बात हो पा रही थी बर्थडे के दिन फ्रेंड्स के साथ मिलना नहीं हो रहा था तो इस बार सब लोग आए इतनी देर तक वेट किया तो मैं सबको थैंक्स बोल रहा था गिफ्ट को लेके काफ़ी एक्साइटमेंट होते हैं हर एक के अंदर कौन सा कोई खास गिफ्ट आज आपको मिला मेरे लिए सबसे स्पेशल गिफ्ट ये मेरे बड़ों की ब्लेसिंग्स मेरी बड़ी दीदी आई हैं जिन्हें अभी अभी आपने आरआरआर में देखा है एहसान कुरैशी जी आए हैं जिन्हें मैं अपने फादर की जगह पे मानती हूँ मेरे सब बड़े भाइयों ने ब्लेसिंग दी सबसे बेस्ट अच्छा गिफ्ट जिस दिन बर्थडे होता है काफ़ी लोग है ना ये मानते हैं कि भाई आज से मैं ये काम करना छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी ये काम नया कुछ ऐसा कुछ मन्नत आपने मांगना ऐसा कुछ ऐसा थॉट आया दिमाग के अंदर कि मुझे ये करना है सबसे पहली बात मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करती जो छोड़ देना चाहिए मेरे अंदर कोई बैड हैबिट नहीं है और जो करने की अगर आप बात करो तो पिछले 20 साल में मैंने जितना भी काम किया सिर्फ खुद को प्रिपेयर करने के लिए किया अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए जो मैं फाइनली अब स्टार्ट कर रही हूँ दादा साहब फाल्के की बायोपिक बना रही हूँ क्या कुछ बोलना चाहिए मैं नेहा को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा नेहा बंसल जितनी अच्छी इंसान है उनका दिल बहुत अच्छा है और वो एक जेम ऑफ ए पर्सन है और उन्होंने मीडिया में अब एक अलग पहचान बनाई है और मैं उनको बहुत बहुत विशेज देता हूँ बेस्ट विशेज देता हूँ कि वो लाइफ में आने वाले जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं उन्होंने काफ़ी फिल्म प्रोड्यूस की हैं और एक इंडस्ट्री को ना एक सूत्र में बांधने की कोशिश की है सबसे बड़ा जो उनका एक क्वालिटी है तो जैसे आपने कहा कि अच्छी हैबिट्स और बैड हैबिट्स वाली बात तो बैड हैबिट्स मुझे लगता नहीं है इनके अंदर कोई है लेकिन अच्छी हैबिट्स ये हैं कि ये लोगों को एक एक साथ एक माला में पिरो देती है तो आज हम इनके बर्थडे पे आए हैं यहाँ एक साथ तो ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है और वी आर रियली ब्लेस्ड कि हमें ऐसे अच्छे दोस्त एक छत के नीचे मिल जाते हैं आई विश हर बेस्ट ऑफ लक और आगे के फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स में और इसी तरह से खिलखिलाते रहें हंसते रहें मुस्कुराते रहें और जीवन जो है इसी तरह चलता रहे जी मैम क्या कुछ शुभकामना देना चाहिए हाय माई सेल्फ किरण आर्या और नेहा के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी आपने पूछा कि कोविड के दौरान ये दौरान जो टाइम था वो कैसा बीता और उसके बाद का बर्थडे तो बता दो नेहा ने अपनी पूरी जमा पूंजी कोविड में लोगों को खाना खिलाने में लगा दी पूरी जमा पूंजी इन्होंने सिर्फ लोगों को फूड सप्लाई करने में उनके घरों में राशन पहुंचाने में लगा दी वो लोग जो खाना खाने में असमर्थ थे कोविड के दौरान तो इस तरीके से इन्होंने जन्मदिन अपना मनाया कोविड के दौरान और कोविड के बाद अब आप सब देख ही रहे हैं यस शी इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन एंड शी डिजर्व द बेस्ट इन द लाइफ एंड माई बेस्ट विशेज फॉर हर फ्यूचर फॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स वॉट एवर शी इज़ डूइंग अच्छा हाँ नेहा बंसल अपने आप में एक ऐसी उम्दा शख्सियत है जिसको शुभकामनाओं की मोहताज नहीं है वेरी गुड वेरी नाइस फिर भी अगर आप औपचारिकता निभाना चाहते हो दस्तूर है औपचारिकता का तो मैं फिर से एक बार कहूँगा कि ऐसा कुछ ईश्वर पराक्रम करे ऐसा कुछ चमत्कार करे कि कामयाबी खुद छटपटाए नेहा बंसल का कदम चूमने चलो पैर छू जो तुमने आशीर्वाद दे दिए प्रणाम करते हैं भैया बहुत अच्छा बोलते हैं आप सर, हम आपके अंदाज़ अरे वाह तो मेरे पापा जी ये अलग रिश्ता है भाई ये नेहा बंसल है और इनको दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं इन्होंने केक खिलाया मीठा मीठा उससे ज़्यादा इनकी ज़ुबान मीठी है केक के लिए आधा घंटा इंतज़ार की
जब मैं आ गया तो बोले 10 मिनट इसका इंतजार करो, तो राजकुमार आया जब ही केक काटा, और हमारे साथ फिल्म इंडस्ट्री में एक ही सुपर स्टार हुए हैं चाइल्ड सुपर बच्चों में, वो हैं जूनियर महमूद, उनके भाई हैं कल्लू भाई। जब ये यहाँ आए हुए हैं तो बहुत अच्छा लगा, हम सब की तरफ से दिल से इनको मुबारकबाद देते हैं। वो दो लाइन अपने अंदाज में हम नेहा से कहना चाहते हैं कि नेहा जी नेहा जी नेहा जी, आप में मिठास भूल जाए बांसुरी और बीन की तरह, आप में मिठास भूल जाए बांसुरी और बीन की तरह, वो लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। जीते रहो, गॉड ब्लेस यू, और जो अरमान लेके आई हूँ पूरे करें। मैंने आपके प्रोडक्शन हाउस में एक दिन का काम किया था, एक फिल्म इन्होंने बनाई थी, ये प्रोड्यूसर थी फाइनेंसर थी, और अब मालिक करते हैं कि अब इसके बाद और कई कोई बड़ा प्रोजेक्ट लाएं जिसमें हम लोग सब आपके साथ काम करें जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ आपके पड़ोस में बैठे तो उनको भी अवसर दिया जाए। आ जाओ आ जाओ भाई, आइए आप जी। जी सर, क्या कुछ शुभकामना देना चाहेंगे? शुभकामना बस मेरे लिए तो कुछ कहने की बात रही नहीं, एहसान भाई ने सब कुछ बोल दिया, तो मैं यही कहूँगा कि गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। थैंक यू सो मच। जी सर, आप क्या कुछ सुनाना देंगे? एक लाइन ज्यादा विथिन म्यूजिक और लाइव इवेंट की तरफ से, विथ इन कोलाबरेशन विथ कल्लू जी की तरफ से, नेहा बंसल को बहुत बहुत शुभकामनाएं और अ वेरी ब्यूटिफुल एंड फ्यूचर इन द कमिंग ईयर्स। यही करना चाहिए कि उनको जो भी उन्होंने सोचा है और जो उन्होंने भी सपने देखे हैं वो पूरे जल्दी। आमीन आमीन। और भैया आपसे निवेदन, खाना खा के जरूर जाना भैया, जाना। आप लोग बड़े मेहनती आदमी, हम तो बैठ भी गए, आप खड़े ही थे, तो आप इतने खड़े हैं जैसे चुनाव में खड़े हैं, लेकिन आप बहुत अच्छे हैं, अपने काम पे अड़े हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, खाना जरूर खा। आप लोग कहोगे तो हमें भी मिलेगा। थैंक यू। शुभकामना के बजाय मैं गाना गाना चाहूँगा। बार बार दिन ये आप गाओ यार। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल। अभी हजारों साल जिएगी तो ये बुढ़ी हो जाएगी, फिर भी वो वैसी की वैसी ही रहे, उनका जो नेचर है वो वैसा ही रहे। और वैसे मेरे पे बुढ़ापा आ चुका है, मैं 37 इयर्स की हो गई हूँ, फिर भी नहीं समझ में नहीं आता कि 37 है। हमारे लिए तो 17 है। हाँ जी मैम, आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? मैं दी बोलती हूँ और मेरे को बच्चे जैसा संभालती भी है, बहुत प्यार देती है, मैं भी देती हूँ, है ना? बोलो ना। मेरी छोटी सी गुड़िया रानी देखने में मुझसे बड़ी लगती है, लेकिन छोटी हूँ मैं, बड़ी होती ही नहीं हूँ, तो क्या करूँ। बस यही दुआ करती हूँ, घर वाला उनको किसी तरह सलामत रखे, और रोज हर साल हम इसी तरह हम लोग उनको बधाई देने के लिए बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। सर जी, बोलिए, एक्शन बोलिए। एक्शन एक्शन। मैं बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल, आज तारीख 8 जून 2022 के दिन बहुत ही फेमस बंगलो कुमार शानू, जो कि हमारे पूजनीय हैं, बहुत बड़े स्टार हैं, उनके बंगले में हम अपनी बिटिया नेहा बंसल का बर्थडे मना रहे हैं। बहुत खुशी का दिन है, ये हमेशा बर्थडे मनाती हैं और हमको बुलाती हैं, बाकी सब लोगों को बुलाती हैं, और हर चीज तरह से मतलब हम लोग खुश रहते हैं कि चलो एक आदमी तो है जो कम से अपना बर्थडे मनाता है। बाकी मेरे हिसाब से कोरोना के बाद में पहला मैं बर्थडे मना रहा हूँ, जबकि पहले बहुत बर्थडे मनते थे, तमाम पार्टियाँ तम, लेकिन पता नहीं लोग कहाँ से कहाँ चले गए, सीन डायरेक्टर तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया है इस इंडस्ट्री में। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है, काम स्टार्ट हो गया है, अभी शूटिंग होने शुरू हो गया है, फिल्में बन रही हैं, सीरियल बन रही हैं, वेब सीरीज बन रही हैं, इसलिए हम खुश हैं। और चूँकि हमारी बिटिया प्रोड्यूसर भी है, ये फिल्म भी बनाती है, एक्ट्रेस तो ही है, तो इनसे उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी फिल्म स्टार्ट करें और हम सब लोगों को अपने साथ रखें, काम करें उसमें। अंत में मेरी तरफ से, पूरी पब्लिक की तरफ से, नेहा बंसल को बहुत बहुत
जन्मदिन मुबारक हो, ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक यू। ये मेरा छोटू सा बॉयफ्रेंड है, ऐसे इसके पापा मेरे फ्रेंड है। ये तहलका मचाने वाली खबर है। मेरा छोटू सा, मैं ऐसा वाला बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, मैं उनके लिए पर्सनल बॉयफ्रेंड ढूंढने की तैयारी कर रहा हूँ। ओके, उनकी शादी के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोई मिल जाए अच्छा लड़का, तो कोई अच्छा होगा तो कमेंट कर देना, मैं स्टॉक कर लूंगा उसको। बाकी दीप खदन आ गया, बहुत अच्छा, दी के साथ अभी मैं काफी वर्क कर रहा हूँ, तो आगे देखते हैं हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। बढ़ते और इसका फ्यूचर ब्राइट हो, और ये वर्षों से जानता हूँ और बहुत अच्छे है, बड़ा बना है जी। मैं बहुत स्वीट है, आइए, थैंक यू सर, हमारे साथ ही लव यू। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, एक मिनट, थैंक यू सर, यही देखिए क्या कहूँगा जी सर, बीच में जी सर, क्या कुछ शुभकामना देना चाहेंगे? हाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं नेहा के लिए, और मुझे लगता है कि मतलब जब से हम लोग मिले हैं, दिल से हमेशा दुआ निकलती है, उसी दुआओं का असर है कि हर अपने जन्मदिन में कि पहले से और यंग नज़र आने लगती है, तो ये हमारी दुआओं का असर है, और ये हमेशा दुआएं रहेंगी कि नेहा अपना 50वां, 60वां, 70वां जो भी जन्मदिन है वो हमारे साथ ही मनाए, और हम हमेशा उसको इसी तरह दुआ देते हैं। सर आप जी, ये बड़ा ही खुशी का दिन है आज, आज नेहा बंसल जी हमारी बहन है ये, और इनकी कई फिल्में पहले में हमने किया है, उसमें संगीत दिया है, और आगे भी जो होगा उसमें हम देंगे, ये हम वादा नहीं विश्वास दिलाते हैं, क्योंकि वादे टूट जाते हैं। और आज बड़ा ही खुशी का दिन है, ये कोरोना के बाद ये बड़ा ही अच्छा संयोग बना, और इसी बहाने सर जी कैसे कैसे भारतीयों से मुलाकात हो जाती है, ये इतने बड़े सिंगर हैं, इनके सामने तो हम लोग कुछ भी नहीं है, लेकिन ये मेरे फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर हैं और आपके फेवरेट ये सिंगर भी हैं। होता क्या है ना, यही मैं कहने वाला था कि नेहा का एक बड़ी अच्छी बात है कि सबको एकदम जोड़ के रखती हैं, कि सबको मुलाकात हो जाती है, ये मिलाती है। अभी आप बोले कि ये 50वां 60वां का जब भी बर्थडे मनाए तो ये यंग दिखने लगती है, ये इनकी सादगी का नतीजा है, सही में ये 60 वर्ष रेखा की जैसे ये ऐसे ही दिखती रहेगी गुड़िया की तरह, मैं पता भी नहीं चलता कि इनका, और दिल से पता नहीं चलता कि इनका कितना बर्थडे अभी तक आगे जाए, 37th बर्थडे है। हाँ, 50-60 मत जाइए, मैंने 50-60 में भी आप ऐसा ही रहेंगे, अगर ये ना बताती शुभकामना है सर, अगर ये ना बताती तो मैं अभी तक 20 ही समझ, 20 ये 17 एक्स्ट्रा कब हो गया मुझे नहीं पता। बहुत ही हमेशा आज दिल से दुआएं हैं, दिल से शुभकामना है, यहाँ बनकर आगे बढ़े, अपने कामों में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करें, और बड़ी से बड़ी फिल्म बनाएं जिनमें हम लोग को भी मौका मिले, बिल्कुल म्यूजिक देने का, काम करने का ये सौभाग्य प्राप्त हो, और जितना बर्थडे इनका मनता है हमें आना ही पड़ता है और आना ही चाहिए, इनका प्यार है, इनका एक सादगीपन है जिसमें हम आते हैं, तो चलिए दिल से हमारी शुभकामनाएं हैं, दिल से दुआएं हैं, ये जिए लाख बरस करोड़ बरस, और यूं ही मुस्कुराती रहे, खुश रहें हमारे दोस्त। अरे भैया, मुंडे न्यूज चैनल आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए भैया।